महाराज जी देखो सामने जो भारत दिखाई देता है, हम लोग प्रतिदिन यहीं पर स्नान करते हैं। अच्छा, और अपने वस्त्र उतारो और स्नान करो, तब तक मैं यहीं पर बैठा हूँ। ठीक है, क्या बताओ, मेरे बदन में इतने जख्म है कि अगर मेरे मामा जी देखेंगे तो बहुत नाराज हो जाएंगे। मैं किस तरीके से कपड़े उतारूं? ठीक है मामा जी, इसका पालन करना होगा, मुझे कपड़ा उतारना ही होगा। जख्म कैसे हैं? और चुराया आपसु गंगा ने, मामा कुल्हर वाला गंगा, और चुराया आपसु गंगा ने जो फटकुआ है का भार। जो कुड़हरगढ़ वाला गंगा सिंह है उसने खंभ में बंधवा के मुझे बहुत मारा। अच्छा, ऐसे तारीफ करते हैं उसके, हमको बहुत अच्छा लगता है। और एक करे तारीफ तो उसकी सामना कर सके, और हमारे भांजे पर हाथ उठाने वाला वो कुड़हर का नामा थी। जब मैंने आपका नाम बताया तो आपके नाम पर गाली दिया, आप मुझे 10 घंटा फाटिल गंगा सिंह। गंगा सिंह याद है कुत्ते, सबसे पहले चल भोजन कर, उसके बाद तत्काल कुड़हर पर चढ़ाई हमारी उधर आती। ठीक है चलो चलते हैं, चलो
तैयार है? भाभी जी क्या कहाँ है? जो बदलाव सबसे पहले भोजन कौन करेगा? सबसे पहले तो गायन करना चाहे क्यों? उसके बाद यानी सबका झूठा भैया खाएंगे? ठीक है भाई, सब लोग भोजन करें। अच्छा तो कैसे भोजन किया जाए? सब लोग शादी करते हैं। ठीक है, लेकिन आज तक कभी हमारा भोजन पूर्ण नहीं हुआ। आज क्या बात है दादाजी, जो भोजन में रक्त हो गया, इसके पीछे जरूर कोई राज है दादाजी। और सुनकर तेरी बात को और भोजन देता रहते और सतत बतरा दे चादर सदा दुवरना। आज तूने हमारे दरबार में रसोई में झूठ बोला है, कोई बात जरूर छुपाए है, इसलिए हमारे लोगन का खाना रिक्त हो गया। बोल जागन, क्या तूने बताने में छुपाया है? अगर मेरी बात सुनोगे तो आत्मा कांप जाएगा और जमीन थर आ जाएगा। ऐसी कौन सी बात है जो तेरी बात सुनकर के आसमान कांप जाएगा, पृथ्वी थर आ जाएगी? अब कौन सी ऐसी बात है जागल, साफ साफ बताओ, और नहीं बतलाना तो हमारे दरबार से अपना कलेजा पत्थर सा कर लो। मामा जागल, ऐसी कौन सी बात है? और अपना पैर जमा कर रखो, नहीं तो पृथ्वी पैरों से खसक जाए। आखिर वो बात कौन सी है? ये बताओ, कौन माई के लाल में इतनी बड़ी हिम्मत है जो उन्हें रात को दहलाने वाला पैदा हो रहा है? बेशक बोला जो जानना चाहता हूं कि क्या झूठ बोला है जागल? अपना कलेजा पत्थर सा कर लो बाबा। तो हो जाएगा जागल, लेकिन सबसे पहले बताओ फिर बात क्या है? क्यों दादाजी? और मोहब्बत का ढेर कृष्ण घेरा है और चाहते हैं चुटकियों में मसा दूंगा कुत्तों को, और मोहब्बत का ढेर
साफ साफ हो जा रहा है। क्या बताऊ मामा, ये जबान वापस नहीं आती है। जाती है, यानी कि कोई किसी की खबर
न ले जाने पाए। हाँ। इतनी खराब दशा हमारे महोदय की और चिरसा की। आहर मलखान मामा की लाश अभी तक सिरसा में रखी हुई है, कोई अभी तक उनका अंतिम संस्कार नहीं हुआ। इसलिए हम तुम लोगों को बुलाने हैं। नहीं, हम लोग करते नहीं जा सकते। और जो जुल्म भाया चचा परमाल है कम नहीं, की जलावा पर चला जाओ मोहबा हम नहीं। ऐसा कहते ये बचन भैया न आई लाज है, साथ चलिए इस गरीब बहुते तो पड़ी में हम और करेंगे गुजर। अब तो कन्हा उपराज जान हम लोग यहां नहीं जाएंगे। लेकर स्वागत नहीं जाओगे तो मलखान भैया की लाश को अंतिम संस्कार कौन करेगा? और वो जो दुश्मन महोबा नगर घेरे हुआ है, उपराज जो होना था हो गया। अब वहां पर क्या करेगा? अब हम कनौजे में रहेंगे, हम नहीं जाएंगे। कौन नहीं जाएंगे? तो नहीं जाना चाहते हो दादा, तो अपने अपने देवर को लेके मैं जाऊंगी। ठीक है भाभी, दादाजी जाए ना जाए, आप आओ। आप और बेटा इंदर को साथ में लेकर के चलते हैं। बचवा अरे सब्र करे ये काम नहीं, जयचंद के घर जाऊंगा मुझसे जाने की दादत लेकर के मैं आऊंगा। दादाजी आपका भी वचन सत्य है, जब हम लोग आए थे तो उन्होंने हमको रहने का सहारा दिया था। राज जो हमारे मालिक हैं। ठीक है दादाजी, हम पैसे उनसे ज्यादा नहीं ले लेंगे। वो दाने को नहीं कहेंगे तब तक हम नहीं जाएंगे। ठीक है दादाजी, हमें मुसीबत में आप चाहिए इजाजत लेने के लिए। हाँ, और हम लोग पता लगे आपका इंतजार करते हैं। बेटा इंदल जागल। क्या है बाबा? जब तक दादाजी नहीं आ जाते हैं हम लोग इनका इंतजार करते हैं। मामा क्या बात है जागन? अगर जयचंद नाना मिले तब तो ठीक है, लेकिन जो मामा है लाखन भाई। हाँ, बहुत कड़वा दिमाग का है। ऐसा ना हो कहीं मामा जी को कैद कर ले ना नहीं दी तो, इसलिए आप भी पास से जाइए। ठीक है जागन, दादाजी के पीछे मैं जा रहा हूँ, जैसा होगा मैं तत्काल ये भी आता हूँ। ठीक है, तब तक हम लोग इंतजार करेंगे। बेटा लाखन बैठा होता है तभी आधा ज्यादा लेने के लिए जाते हैं, फिर देखे आगे क्या होता है। जयचंद का बेटा लाखन।